आज मैं बनाने जा रही हूँ मेवे की खीर। ये फास्ट में बनाई जाती है जब हम चावल की खीर नहीं बना पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेवे की खीर बनाने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए, तो वो ये है। हमें 1 kg दूध लेना है और इसे लो फ्लेम पे उबलने देना है। उसके बाद हमें कुछ मेवे लेने हैं, जैसे बादाम, इलायची, चिरौंजी, किशमिश, कद्दूकस किया हुआ, नारियल, चीनी, अगर 1 kg में 250 ग्राम चीनी एंड मखाने। ये सब ऑप्शनल हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। दूध बॉयल हो चुका है, उसके बाद हम मखानों को इसमें डालेंगे। उसके बाद 10 से 20 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद हम जो बाकी के मेवे हैं, सूखे मेवे, उनको मिलाएंगे। जो खट्टे मेवे नहीं हैं उनको मिलाएंगे पहले। तो लगभग 10 से 20 मिनट बॉयल होने के बाद हम बाकी के जो मेवे हैं वो मिलाएंगे और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। मेवे की खीर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इसका कलर कैसा आ रहा है, टेक्सचर कैसा आ रहा है, मेवे का जो टेस्ट है वो दूध में अच्छे से मिला है या नहीं मिला है। आगे आप देखते रहिए कि चीनी को और किशमिश को कैसे मिलाया जाता है। लो फ्लेम पर बार बार अपनी खीर को चलाते रहिए, जिससे खीर तवे पर ना लगे। इसके बाद मेरी 10 से 20 मिनट बॉईल होने के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। उसके बाद मैं चीनी मिक्स करूंगी। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। चीनी को मिक्स करने के बाद मैं हमारी किशमिश को भी ऐड करूंगी। किशमिश को ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करूंगी। उसके बाद सर्व करने के लिए रेडी करूंगी। यह हमारी मेवे की खीर बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ हमारी खीर रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। आप इसे ठंडा करके या ऐसे ही गर्म गर्म भी सर्व कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद है आप इसे वैसे खा सकते हैं। यहाँ मैंने खीर को सर्व कर दिया है। आई होप आपको अच्छा लगे।